हेलो गाइस दिस इज अमृत कौर योर इंग्लिश मेंटर एंड वी आर बैक अगेन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड तो बच्चे टॉपिक है हमारा आज का बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया और बहुत ही वांटेड टॉपिक बाय द स्टूडेंट्स सेइंग दैट मैम हाउ टू स्टे फोकस्ड इन स्टडीज़ तो मैम हमारा यार कहीं ना कहीं ना डेविएशन जो है कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन जो है इट्स वी स्टार्ट विद अ वेरी गुड वेरी गुड जील हम इंक्लाइंड भी रहते हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट एलिवेशन भी आते हैं लेकिन समो दी अदरवेयर वो डाउनफॉल आ जाता है तो मैम वाई आर वी नॉट एबल टू स्टे फोकस्ड हम क्यों फोकस नहीं रह पाते या फिर सवाल है कि हाउ टू स्टे फोकस्ड ये सब चीज़ें हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं कैसे जान सकते हैं और यार कैसे अपने मंदिर तक पहुँच सकते हैं आज हम इस सेशन में करने वाले हैं तो बच्चे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टे फोकस्ड यहाँ फोकस नहीं होगा स्टे फोकस्ड तो ये जो स्टे फोकस्ड है ना कैसे आपको फोकस्ड रहना है स्टे फोकस्ड और वो स्टे कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी कुछ चीजों के साथ सबसे बड़ा पॉइंट होता है guys, आपका जो कंसंट्रेशन है बेसिकली आपको ये जानना है व्हाट यू लव तो अगर मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट एक छोटी सी पॉइंट यहां पर बोलूंगी कि सबसे पहले ये जान लीजिए व्हाट यू लाइक वर्सेस व्हाट यू लव ठीक है आपको क्या पसंद है और आपको क्या क्या आप क्या चाहते हो वोट आर वोट आर यू लाइकिंग पैशन क्या हो गया कि यार जो आपको पसंद है अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है ना तो आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका फोकस उस तरफ बहुत जल्दी से बन जाएगा मेरे बहुत सारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो यार कहीं ना कहीं एग्जाम्स तो भर देते हैं पीयर प्रेशर में आके अपने पेरेंट्स रिलेटिव्स फ्रेंड्स टीचर्स के प्रेशर में आके बट आई एम सॉरी टू से उनको गाइज़ ये नहीं पता कि वॉट इज़ द एग्जाम सिलेबस उनको एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता तो मतलब अगर किसी भी एग्ज़ाम को भरने से पहले मुझे एक चीज़ समझ में आती है गाइज़ अगर आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं पता उस एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता या फिर सम और दी अदर वेयर चीज़ें डेविएटेड हैं आपको उसका कट ऑफ भी नहीं पता उसका कुछ ट्रेंड एनालिसिस नहीं पता उस उस पेपर के बारे में नहीं पता यार उसका सैलरी क्या जाता है उस पेपर का पर्टिकुलरली कट ऑफ़ क्या है या उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में नहीं पता मतलब पैटर्न या सिलेबस आमोद्यादर वे एग्ज़ाम के एक एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है आपका कॉन्सेंट्रेशन उस एग्ज़ाम के लिए कभी बन ही नहीं सकता तो आपका जो ये फोकस है और आपका जो ये पैशन है प्लस कॉन्सेंट्रेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पैशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉन्सेंट्रेशन डू वॉट यू लव डोंट डू जिसके लिए सर हम आपको दुनिया बोल रही है और लोग बोल रहे हैं प्लीज़ डू वॉट यू लाइक डू वॉट यू लव लव स्टार्ट मेडिटेटिंग तो बहुत लोगों का दिक्कत क्या होता है कि मैम हम पढ़ तो लेते हैं याद भी कर लेते हैं बट एग्ज़ाम टाइम तक ना चीज़ें हम रिटेन नहीं कर पाते हैं वी आर नॉट एबल टू रिटेन दीज पर्टिकुलर थिंग्स चाहे वो कैबलरी हो या फिर कुछ ग्रामर के कुछ रूल्स हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत रहता है तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चीज़ों को रिटेन करें और वो रिटेन कैसे होगा कुछ ना कुछ ट्रिक के साथ चीज़ों को लर्न करें हमेशा से और वो उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी अभी लास्ट पॉइंट हमारा कहता है गाइस डिस्ट्रैक्शन तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। देखो गाइस वी आर नॉट किड नाव वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तो मतलब सम और दी अदर वे हमें अपने फ्लॉज पता है हमें अपने स्ट्रेंथ हमें अपनी वीकनेस पता है और हर स्टूडेंट हर स्टूडेंट ये जानता है कि उसका डिस्ट्रैक्शन क्या है क्या वो डिस्ट्रैक्शन आपका एक सोशल मीडिया है क्या आप यार फोन उठाते हैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रह जाते हैं और घंटों इसमें निकाल देते हैं या फिर टेलीग्राम या फिर सम यूट्यूब या कुछ भी या व्हाट्सएप ग्रुप्स और सम और दी अदर फ्रेंड्स डिस्ट्रेक्शन जो आपके माइंड में बन जाते हैं सो so, ये जो एज है गाइज यू हैव बॉय फ्रेंड्स गर्ल फ्रेंड्स एंड फ्यू स्टूडेंट्स डू नॉट इवन हैव दे बट उनके पास ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन बहुत है सो वंस इज दिस सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन वंस इज दिस फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्शन तो ये दोनों डिस्ट्रेक्शन दूर कर दो बिकॉज अगर आपके पास पैसा है सेम है नाम है तो ये सब कुछ ये सब कुछ ना ये जो एग्जाम है ये आपकी मुट्ठी में होगा ये मेरे से आप एक बात प्लीज इसको जान लीजिए तो प्लीज़ सबसे पहले अगर एक चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आती है आई वुड लाइक टू क्लियर ऑफ द बोर्ड यहाँ से और मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि यार पांच पॉइंट्स तो बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए कि पांच पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट है अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ना सही किताब का पता होना बहुत जरूरी है और सही टेस्ट का जानना बहुत जरूरी है मतलब अगर आप मेरे साथ देखो बच्चे मैं आपकी हर दिन क्लास यहाँ पे यूट्यूब पर क्लास होती है थ्री पी पर डेली ठीक है आप मुझे कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ढूंढ सकते हैं बाय टाइपिंग इंग्लिश बाय अमृत कौर आई रिपीट इंग्लिश बाय अमृत कौर दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी और आप मुझे यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं बट अगर मैं आपको बोलूँ ना कि प्लीज गाइज अपने आप का पैशन और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा करके रखना है तो किसी भी चीज के लिए अपना रूल्स कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस ये तीन चीजें हैं जो मैं आपको हमेशा बोलूंगी आई वुड रिपीट हियर एक शॉर्ट फॉर्म से इसको लर्न कर लेते हैं गाइज so, आपका प्रैक्टिस आपका कॉन्सेप्ट और आपके रूल्स प्रैक्टिस अगर ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हैं लेकिन आपकी प्रैक्टिस इंटैक्ट नहीं है तो आप चीज़ों को एग्जैक्टली exactly एग्ज़ाम तक नहीं ले जा पाएंगे लेकिन अगर मैं बोलूं आपने यार रूल्स बहुत अच्छे से आपको पता है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपकी प्रैक्टिस भी क्लियर है तो आप एग्जाम भी क्लियर कर पाएंगे सम और दी अदर वे गाइज़ हज़ार रुपये का एक फॉर्म आप भरते हैं और लगभग आप 10 से 15 फॉर्म्स हर साल हर साल 10 से 15 फॉर्म्स भरते हैं मतलब यार कहीं ना कहीं आप लोग पंद्रह हज़ार रुपये तो फॉर्म्स में ही लगा देते हैं लेकिन अगर आपके पास एक राइट सेट ऑफ बुक्स नहीं है एक राइट सेट ऑफ़ टेस्ट सीरीज़ नहीं है

जो कि पूरे के पूरे वन ईयर के लिए है फॉर वन ईयर और ये सिर्फ एक डी का स्पेशल बैच है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ छब्बीस सौ रुपए का पड़ेगा ये दोनों कोर्सेस इस कोड के साथ आपको 77 परसेंट डिस्काउंट के साथ मिल जाएंगे तो आपको ये जानना ये मानना बहुत आसान हो जाएगा कि पंद्रह हजार आपने फॉर्म्स पे भरे लेकिन यार तीन हजार रुपए आपने इस कोर्स पे भी दिए जिसके अंदर आपको एक टेस्ट सीरीज ई बुक्स लाइव क्लासेस वीडियो कोर्सेस सब कुछ मिल रहा है एंड मैं आपको एक चीज और बता दू मेरे साथ अगर आप कोई भी क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आप जानेंगे कि किस तरीके से मैं आपको चीज़ें पढ़ाती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक यहाँ पर हम चीज़ ले लेते हैं जल्दी से वो क्या आप क्योंकि टाइम बहुत कम है ठीक है अब मैंने एक वर्ड लिख दिया है यहाँ पर अमेज़ और एक वर्ड मैंने लिख दिया है यहाँ पर इंसेपेड एग्ज़ाम में अगर ये वर्ड्स आपको आ गए आपको नहीं समझ आता कि कैसे रखना है या इसको इसको बेसिकली आपने कहीं ना कहीं लर्न किया है रिवाइज भी किया है पर ये जो रिटेन है ना मतलब लंबे समय तक याद रखना एग्जाम समय तक उसको याद रखना वो हम भूल जाते हैं तो अगर गाइज हम अमेज की यहां पर बात करते हैं तो अमेज की अमेज है क्या है इसका ट्रिक से कोशिश करो ऐसी चीजों को ना हमेशा ट्रिक से याद करो अगर वो कैबलरी की बात हो रही है अमेज क्या है गाड़ी है होंडा अमेज गाड़ी सबको पता होगा तो यार उसके फीचर्स इतने अच्छे थे कि मैं बिल्कुल ही अमेज्ड रह गई मतलब नंबर वन मैं बिल्कुल सरप्राइज रह गई मैं बिल्कुल एस्टोनिस्ड रह गई एस्टोनिस्ड सरप्राइज या फिर एस्टोनिस्ड या फिर एक और वर्ड हो सकता है एस्टाउंड ठीक है तो आपने देखा तीन वर्ड्स मैंने आपको इस पर्टिकुलर एक वर्ड के लिए बता दिए अब वर्ड है यहां पर इनसी पिड, इनसी पिड का ट्रिक क्या लर्न कर सकते हैं हम हम इसका ट्रिक लर्न कर सकते हैं बच्चे इतनी स्पीड भाई अगर कोई भी चीज को इतनी स्पीड के साथ पी जाओगे कोई भी जूस को या किसी भी चीज को स्पीड के साथ पी जाओगे तो वो चीज आपको फ्लेवर लेस लगेगी फ्लेवरलेस या फिर टेस्टलेस लगेगी मतलब बहुत ही ज्यादा टीडियस सी कोई चीज लगती है ना मनोटनस टीडियस तो वो बहुत ही ज्यादा टेस्टलेस या फ्लेवरलेस लगेगी तो मतलब इस तरीके से ये मैं आपको हमेशा बोलूँगी कि एक ट्रिक के साथ लर्न करो जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस एक स्लाइड में आपने मेरे साथ सेवन वर्ड्स लर्न कर लिए चुटकियों में तो इसी तरीके से अगर आप मेरे साथ हर दिन जुड़ना चाहते हैं तो मेरी हर दिन जो यहाँ पर क्लास है गाइज डेली क्लास मेरा थ्री पी एम पर होता है सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स अडा ट्वेंटी फोर सेवन पर अगर आप चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और टाइप करके मुझे खोज सकते हैं इंग्लिश बाय अमृत कौर यूट्यूब पे और टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं पर भी दे ऑफिशियल पेजेस ऑफ माइंड ठीक है तो ठीक है गाइज मिलते हैं और प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है हाउ टू स्टे फोकस आप सबको पता है तो प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट करो ये नहीं कि हर बार मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज़ जान लो जान लो लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि कैसे करना है मतलब बहुत कुछ जानने के बाद ना जहाँ कमी आती है ना वो आती है इम्प्लीमेंटमेंट करने मतलब एग्जीक्यूट करने में उस चीज़ को लागू करने में यहाँ पर हमारा दिक्कत आता है कि उसको लागू करो उसको यूज करो चीज़ों को एग्जीक्यूट करो आपके पास सब कुछ है सिर्फ उसको लागू करके आपको दिखाना है ऐसे ही अगर आप कुछ भी ग्रामर कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो वो भी मेरे पास बिल्कुल अवेलेबल है जैसे कि एक सीरीज है मेरी टॉप वन ट्वेंटी रूल्स ऑफ ग्रामर ठीक है टॉप वन ट्वेंटी रूल्स ऑफ ग्रामर बाय अमृत कौर तो ये सीरीज़ आप ज़रूर देख सकते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है चलिए इस तो जुड़ते हैं और किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं अगर तो अगेन मेरा ये कहना है आप सभी स्टूडेंट्स को पता है आप लोग जानिए इतने रुपए में आपको ये महापाक मिल रहा है जिसके अंदर सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं और ये एक स्पेसिफाइड बैच है फॉर डी डी ए जो जो कि आपको छब्बीस सौ रुपये में पड़ेगा बट दिस इज़ फॉर सिक्स मंथ्स तो बेटर डील हमेशा से ये है कि आपको वन ईयर में थ्री थाउजेंड के लिए आज के लिए वैलिड एप्लीकेबल है वाई पाँच सौ छत्तीस से आप अप्लाई कीजिए और जुड़िए मेरे साथ हैं जानिए बेहतरीन ट्रिक्स और यार क्लियर कीजिए अपने सारे एग्जाम जिन पर आपने शायद पंद्रह बीस हज़ार सिर्फ फॉर्म फिलिंग पे ही लगाए हैं आपका पैसा आपका तरीका आपका टाइम सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है योर टाइम मनी एफर्ट्स एंड एनर्जी थैंक यू दिस इज अमृत कौर जुड़े रहिए मेरे साथ ओनली आइन एंजॉयनेस आता ट्वेंटी फोर सेवन थैंक यू गाइस